इमरान खान ने अहलिया की दोस्त फराह खान को बेकसूर करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को बेकसूर करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने फराह खान को बेकसूर करार देते हुए कहा कि फराह खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मेरी अहलिया की दोस्त हैं। इनका कहना था कि फराह खान पर उन्होंने बिल्कुल गलत केस किया है, वो अरसे से रियल इस्टेट का काम करती हैं, उन्होंने जमाइमा पर भी टाइलों का केस बनाया था। इमरान खान का कहना था कि बुशरा बेगम का तो कोई बैंक अकाउंट नहीं, इस सब का मकसद मुझ पर अटैक कराना है। फराह खान बिल्कुल बेकसूर हैं। कहा गया कि फराह खान की दौलत में 3 साल में बहुत इजाफा हुआ, रियल इस्टेट में पिछले 3 साल में वैसे ही बहुत पैसा आया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 2018 के बाद फराह गुजर के असासों में गैर मामूली असासों की तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भी फराह खान पर करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं।